السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعدا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نام محمد سے آیا شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام محمد سے آیا شان محمد اور جو شان محمد ہے وہی ہے شایان محمد اور شاہان زمانہ نہیں ہے شاہان زمانہ اور جو شاہان زمانہ ہے وہی ہے غلامان محمد اور یہی ہوتا ہے ورفعنا لك ذکرک سے یہ ثابت کہ خود رب محمد حسنا خان محمد ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ کم الحاکمین کی ذات بابرکات کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق رازق مالک داتا گنج بخش مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنانے والا فعال لما يريد على كل شيء قدیر کی طاقتوں کا مالک ہے انگن لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے جو ساقی کوثر شافع محشر شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین ہے محترم سامعین و ناظرین آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے ہم کلام ہونا چاہ رہا ہوں وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت
जिसको ज़ुबान कहा जाता है। अल्लाह की नेमतें बेशुमार हैं, लातादाद हैं, बेहद्दो हिसाब हैं। वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मेरी अगर एक एक नेमत गिनने लगो तो तुम उसका शुमार ही नहीं कर सकते, इतनी मेरी बेपनाह नेमतें हैं। उनमें से एक बहुत बड़ी नेमत जो है ज़ुबान है, और इस ज़ुबान के नरमी का ये आलम है कि इसके अंदर कोई अल्लाह ने हड्डी भी नहीं रखी। ये गोश्त का बड़ा नरम और इसी तरह गर्म टुकड़ा है, बड़ी हिद्दत और शिद्दत भी रखता है। अल्लाह ने इस गोश्त के टुकड़े को कुव्वते गोयाई दी है, बोलने की कुव्वत दी है। इसकी कदर वही जानते हैं कि जो ज़ुबान तो मुंह में रखते हैं लेकिन कुव्वते गोयाई जैसी नेमत से महरूम है। ये भी अल्लाह की हिकमत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस ज़ुबान की हिफाजत के लिए 32 ताले जो हैं दांतों की शक्ल में वो रखे हैं, और उनके अंदर इस ज़ुबान को महफूज किया है। लेकिन ये जब इन तालों को रोंदती हुई तोड़ती हुई बाहर आती है तो ये बड़े बड़ों के औसान ख़ता कर देती है, ऐसे ऐसे फिर ज़ख़म भी दे डालती है कि जो शायद कोई तीर और तलवार और गोली और बंदूक भी नहीं लगाती। इसलिए शरीयत इस्लामिया ने इस ज़ुबान की हिफाजत का सबक सिखाया है कि कोई बिला वजह बेपनाह ना बोले, बल्कि बोले तो बस महदूद सा बोले, ज़रूरत का बोले, ज़रूरत से ज़्यादा इस ज़ुबान से वो काम ना ले। क्योंकि जो जो लफ्ज़ ये ज़ुबान बोलेगी, हरकत करेगी, मुंह खोलेगी, मुंह को खिलवाएगी, उसका हिसाब होगा। वो दर्ज किया जा रहा है, लिखने वाले लिखने के लिए बैठे हैं। जिस तरह के आज ये वीडियो बन रही है, कैमरे में महफूज की जा रही है, इसी तरह हमारा हर हर बोल जो है वो लिखा भी जा रहा है, दर्ज किया जा रहा है, नोट किया जा रहा है। इसकी दलील कुरान पाक में है, सूरत का नाम काफ है, 26वां सिपारा। इलाहुल आलमीन ने फरमाया इज़ यतलक्कल मुतलक्कियानि अनिल यमीनि वानिश शिमालि क़ईद ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد। رب कायनात ने फरमाया कि जब दो फरिश्ते लिखने वाले इसके दाएं और बाएं बैठे सब रिकॉर्ड करते हैं, वो कोई बात अपने मुंह से ज़ुबान से नहीं निकाला करता, मगर उसको नोट कर लिया जाता है, उसको लिख लिया जाता है। अल्लाह ने फरमाया किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून। अल्लाह फरमाते हैं कि दो फरिश्ते हमने दो निगहबान मुकर्रर कर दिए हैं,
जो तुम्हारे एक एक लफ्ज़ को या यूँ समझिए कि एक एक ज़ेर और ज़बर को भी वो दर्ज कर लिया करते हैं। उनके दर्ज करने का आलम क्या है? रब्बे काबा ने फरमाया ना सूरत बनी इसराइल 15वें सिपारे में फरमाया कि क़यामत का दिन होगा, अल्लाह फरमाएंगे इकरा किताब का कफा बी नफ्सी कल यौमा अलैका हसीबा। ले ओ बंदे, ये तेरा लिखा हुआ दर्ज किया हुआ नामा अमाल है, अब इसको पढ़ ले, इसको देख ले। कायनात के रब ने अगली सूरत सूरत अल कहफ में फरमाया, जब बनी आदम अपने नामा अमाल को पढ़ लेगा तो फिर बोल उठेगा, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसा। फरमाया के वो कहेगा हाय के ये कैसा नामा अमाल है, ये कैसी वीडियो रिकॉर्ड की गई है, ये कैसा लिखने वाले ने सख्त लिखा है, ना तो इसने कोई बड़ी छोड़ी है बुराई ना छोटी छोड़ी है, कोई मेरा लफ्ज ऐसा नहीं जो जिंदगी भर मैंने बोला हो और इसमें दर्ज ना हो। मैं तो समझा करता था कि जो मैं ये जो हंसी मजाक करता हूँ, दांत निकालता हूँ, मुस्कुराता हूँ, ये कहाँ लिखा जाएगा। हम तो बस बोला ही करते थे, बोला ही करते थे बस, हम तो समझते ही नहीं थे कि जो ये हम बोल बोल रहे हैं ये कहीं तो ले भी जाएंगे। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा ना कि जब कभी बोलना पड़े तो पहले सोचो, फिर उसको तोलो, उसका वज़न करो, फिर बोलो ताकि नतीजा बोलने से पहले सामने आ जाए और तुम्हें पता चल जाए कि मैं क्या बोलूँगा, नतीजा क्या आने वाला है। अल्लाह फरमाते हैं कि अल्यौमा नख्तिमु अला वुजूहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तश्हदु अर्जुलुहुम। अल्लाह ने फरमाया कायनात के लोगों सुन लो, एक दिन आने वाला है कि जब हम तुम्हारी इस जुबान से कुव्वत गयाई को ख़त्म कर डालेंगे, बोलने की नेमत इससे छीन लेंगे, फिर तुम कहोगे कि दिखाओ ना हमारा नामा अमाल। जब अल्लाह दिखा कर पूछेंगे ओ बनी आदम ये भी तूने किया था कि नहीं किया था, आदतन जिस तरह कायनात में रहते हुए इंसान झूठ बोला करता था वहाँ भी कहेगा कि मैंने कोई नहीं किया, मैंने नहीं किया। अल्लाह अल्लाह फरमाएंगे फिर ठहर जाना। अल्लाह फरमाते हैं मैं हम इसके ज़ुबान को ताला लगा देंगे, कुव्वत गुयाई से छीन लेंगे, सलब कर लेंगे, फिर क्या होगा? फिर इसका पैर बोलेगा, इसका हाथ बोलेगा, इलाहुल आलमीन बिल्कुल इसने ये काम किया है, हम गवाही देते हैं। फिर ये उस वक़्त कहेगा ओ बदबख्तो, तुम्हारे लिए तो मैं ये किया करता था, तुम्हारे लिए बोला करता था, तुम्हारे लिए तो मैं ये पापड़ बेला करता था, नहीं तो मुझे क्या ज़रूरत थी? आज तुम ही मेरे खिलाफ़ हो और आपको पता है कि बंदा किसी का साथ दे ना वो कल को मुखालिफ हो जाए तो कहा जाता है यार सारी दुनिया बिगड़ जाती, कोई बात नहीं थी, कोई दुख नहीं था, लेकिन तेरे ऊपर बड़ा दुख हुआ है कि मैंने तेरे ऊपर एहसान किया, तेरे लिए मैंने मुशक्क़त बर्दाश्त की थी और आज तू ही मेरे खिलाफ़ खड़ा हो गया है। अल्लाहु अकबर। ओ वो तो फिर जिस्म का हिस्सा नहीं है जिस पे हम गुस्सा कर लें, जिस पे हम जो है वो गम